टीवी के मोस्ट पॉपुलर शोज में से एक है पिंजरा खूबसूरती का। लेकिन ये शो अब आप सभी को नहीं देखने को मिलेगा ज्यादा दिनों तक, क्योंकि शो का अंत होने जा रहा है। जी हाँ, शो के लीड मयूरा और ओमकार की शादी के साथ शो का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट किया जाएगा। जी हाँ, करण वोहरा जो शो में ओमकारा के किरदार में नजर आ रहे हैं और रिया शर्मा जो मयूरा के रोल में नजर आ रही हैं, अब इन दोनों की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। वेल, दोनों की मोहब्बत की शुरुआत बड़े ही झगड़े के साथ हुई थी, अब इन दोनों की कहानी का अंत हो रहा है। शो को लेकर एक बड़े चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रिया ने बताया है कि बहुत खुश है वो कि शादी के साथ हैप्पी एंडिंग के साथ इन शो का अंत हो रहा है। हाँ, इमोशनल तो हुई है क्योंकि शो उनके दिल के बहुत करीब था। शो में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन दोनों के बीच की कहानी बहुत खास मानी जाती थी और इन दोनों की लव स्टोरी भी काफ़ी अलग थी। लेकिन अभी शो को किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है ये आप भी जानते हैं। खैर, मयूरा और ओमकार की कहानी का अंत हैप्पी एंडिंग के साथ होगा, खुशी तो इस बात की ही है क्योंकि इन दोनों के बीच की मोहब्बत कभी झगड़े कभी दुश्मनी का सामना कर चुकी है। कभी इन दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते थे, कभी एक दूसरे के लिए नफरत ही इन दोनों के दिल में, और आखिर में ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत बनकर हमेशा हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। तो मोहब्बत की ये कहानी आखिर में ख़त्म हो रही है, आखिरकार हैप्पी एंडिंग के साथ इस शो का द एंड हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शो की कहानी बड़े ही अच्छे तरीके से खत्म की जा रही है। ऐसे हम आपको बताना चाहेंगे, इस शो के लिए दोनों ही रिया और करण वोहरा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और शो का अंत भी काफ़ी दुखद होगा क्योंकि शो का अंत होना कोई नहीं चाहता था। इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफ़ी पसंद की जाती थी। खैर, आखिरी एपिसोड के साथ शो का द एंडिंग होने वाला है, शो ऑफ एयर होगा, ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है खबर। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।